इस वीडियो में हम लोग एम के बारे में देखेंगे किस तरह से सर्किट को प्रोटेक्ट करता है एम सी सी बी स्टैंड फॉर मोल्डेड गैस सर्किट ब्रेकर जो कि एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है यह एक टाइप का सर्किट ब्रेकर होता है जो कि ओवरलोड शॉर्ट सर्किट एंड सर्ज करेंट से सर्किट को प्रोटेक्ट करता है एम सी सी बी जो है वो एम सी बी का एडवांस्ड वर्जन होता है इट ऑफर्स एक्स्ट्रा फीचर देन एम सी बी

जब ओवरलोडिंग के कारण करंट की वैल्यू रेटेड करंट से ज़्यादा हो जाती है तो बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो हीट होकर एक्सपेंड होता है एंड बेंड हो जाता है नेक्स्ट है मैग्नेटिक ट्रिप यूनिट मैग्नेटिक ट्रिप यूनिट में इलेक्ट्रो का यूज करते हैं वी कैन से सोलेनोइड ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट जब वेरी हाई करेंट इस सोलेनोइड से फ्लो करती है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो कि प्लंजर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है जिसके साथ ट्रिपिंग मैकेनिज्म कनेक्ट रहता है इसमें दो मेटालिक कॉन्टैक्ट रहता है जो कि करंट को कैरी करता है दैट इज़ फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट जो है वो एक पोजीशन पर फिक्स्ड रहता है एंड मूविंग कॉन्टैक्ट मूव करता है टू ट्रिप द सर्किट यहाँ पर ट्रिप बार है जो कि थर्मल एंड मैग्नेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म से ऑपरेट होता है इस एम को टर्मिनल कनेक्टर के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं अपर टर्मिनल जो है वो आउटपुट लोड से कनेक्ट रहता है एंड बॉटम टर्मिनल इनपुट सप्लाई से कनेक्ट रहता है एम को मैनुअली ओपन और क्लोज करने के लिए हैंडल प्रोवाइड करते हैं जिसको ट्रिप फ्री मैकेनिज्म बोलते हैं हैंडल का मेनली थ्री पोजीशन होता है अपवर्ड मिडिल एंड डाउनवर्ड इफ द हैंडल रिमेन इन ऑफ पोजिशन तो इसका मतलब है कि जो एम सी बी है वो ऑन पोजिशन में है अगर मिडिल में रहता है तो इसका मतलब है कि ब्रेकर ट्रिप हो चुका है एंड डाउनवर्ड पोजिशन जो है वो ऑफ स्टेटस को इंडिकेट करता है इसमें एक ट्रिप बटन भी होता है जिसका यूज एम सी सी बी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है एंड उसका कलर रेड होता है इस बटन को जब पूज करते हैं तो ऑपरेटिंग मैकेजम जो है वो ट्रिप हो जाता है ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट रहता है एंड करंट को कैरी करता है एंड ड्यूरिंग ओवरलोड कंडीशन करंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होने लगती है एंड सर्किट ब्रेकर के रेटेड करेंट से ज़्यादा करेंट फ्लो करने पर बाई स्ट्रिप हीट होकर एक्सपेंड होने लगता है एंड वो बेंड हो जाता है एंड ट्रिप बार पर स्ट्राइक करता है जिससे ट्रिप बार का पोजीशन चेंज हो जाता है एंड ट्रिप बार से मूविंग कॉन्टैक्ट कनेक्ट रहता है इसलिए ट्रिप बार के पोजीशन चेंज होने के कारण मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से सेपरेट हो जाता है एंड सर्किट ब्रेक हो जाती है एज अ रिज़ल्ट फोल्ट करेंट कनेक्टेड लोड में नहीं जाती है एंड वो डैमेज होने से प्रोटेक्ट हो जाता है ओवरलोड के केस में सोलिनोइड जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट वो ऑपरेट नहीं होता है क्योंकि ओवरलोड के केस में उतना इनफ करंट फ्लो नहीं करती है जो कि इस मैग्नेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को ऑपरेट करा सके एंड जब ओवरलोड फॉल्ट क्लियर हो जाती है तो बायो मेटालिक का स्ट्रिप अपना इनिशियल शेप में आ जाता है एंड मूविंग कॉन्टेक्ट फिक्स्ड कॉन्टेक्ट के साथ अटैच हो जाता है जिससे नॉर्मल कंडीशन में सर्किट में करंट फ्लो करने लगती है नाउ सपोज कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होकर होता है उस कंडीशन में इस सोलेनोइड से भेरी हाई करंट फ्लो करती है एक्स्ट्रा हाई करंट फ्लो करने के कारण अस्ट्रॉग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जो कि इस प्लंजर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है एंड प्लंजर ट्रिपिंग बार से कनेक्ट रहता है इसलिए जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से सेपरेट हो जाता है एंड वहाँ पर सर्किट ब्रेक हो जाती है एंड सर्किट ब्रेक होने से फॉल्ट करेंट जो है वो कनेक्टेड लोड में नहीं जाती है ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट मैग्नेटिक ट्रिपिंग मैकेनिज्म जो है वो इंस्टेंटली ऑपरेट होता है क्योंकि एक्स्ट्रा हाई करंट इससे फ्लो करती है इस कंडीशन में स्ट्रिप सर्किट को ट्रिप नहीं कराता है क्योंकि स्ट्रिप जो है उसको ऑपरेट होने में थोड़ा टाइम लगता है पहले स्ट्रिप हीट होता है देन बेंड होता है सो शॉर्ट सर्किट के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेट इंस्टेंटली सर्किट को ब्रेक कर देता है एंड कनेक्टेड डिवाइसेस को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है इस तरह जो एम है वो ऑपरेट होता है एंड सर्किट में कनेक्टेड डिफरेंट लोड को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है देर आर मेनी डिफ्रेंसेज बिटवीन एम सी बी एंड एम सी सी बी एक नॉर्मल एम सी बी जो होता है वो ओनली ओवरलोड फॉल्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जबकि जो एम सी सी बी है वो ओवर टेम्परेचर एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एम का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एंड एम सी सी बी स्टैंड फॉर मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर एम जो है वो सिंगल पोल टू पोल एंड थ्री पोल में अवेलेबल होता है जबकि एम जो है वो फोर पोल तक अवेलेबल होता है एम का यूज़ होम वायरिंग लाइट लोड एंड लाइटनिंग सर्किट के लिए किया जाता है जबकि एम का यूज़ हैवी सर्किट एंड डिवाइसेज में किया जाता है एम का रेटिंग करेंट हंड्रेड एम होता है जबकि एम का जो रेटिंग करेंट है वो टेन टू टू हंड्रेड एम होता है एम को हम लोग रिमोटली ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं जबकि एम को रिमोट के हेल्प से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं एम का यूज़ डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए किया जाता है लाइक होम वायरिंग जबकि एम का यूज़ कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए किया जाता है सो दीज आर सम डिफ्रेंसेज बिटवीन एम सी बी एंड एम सी सी बी तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें